हे गाइज, इट्स मी पीयूष एंड यू वॉचिंग फैशन फैब। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यार, आप किसी भी लड़की को कैसे इंप्रेस कर सकते हो बिना उससे बात किए। तो यार, एक्चुअली मैं कुछ बताने से पहले मैं अपनी बात बता दूँ कि यार, अगर आप सिंगल हो ना तो बहुत ज़्यादा सही है यार, आप स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हो अर्थ पे ही। क्योंकि यार, जब आप गर्लफ्रेंड पटा लोगे ना तो भाई, वो हमेशा आपको काटती रहेगी। समझ रहे हो आप? भाई मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि मतलब यार, अब कैसे पटाना लड़कियों को। सो भाई, मैं ट्रिक आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। तो मतलब यार, मेरी जो क्रश है स्कूल में, तो यार वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यार, उसे कैसे सेट किया जाए? एक्चुअली मैं बात भी करने से डरता हूँ, लेकिन मुझे उसे इम्प्रेस भी करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है। तो वो कैसे किया जाए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले आप लोग क्या करना है, कर दो अपने भाई के प्यार से छोटे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब कुछ। सो वी आर विशिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को 5 से 6 पॉइंट्स में क्लियर करूंगा कि भाई कैसे कैसे लड़की को पटाना है, अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो आ जाता है कि आप लोगों को ना एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बननी होगी। मतलब कैसे कि यार, आप लोगों ने ड्रेसिंग सेंस सही करना होगा, अपनी थोड़ी सी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे सही करना होगा, और आपको जो थोड़ी सी बॉडी मसल्स वगैरह वो थोड़ी सी बनानी होंगी यार। अब कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो भाई लड़कियाँ उनसे नहीं पटने वाली हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार, मैं पतला दिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा जिम जाओ, अपने आप को थोड़ा फिट एंड फाइन करो, तब ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा मोटे भी हो तो तब भी लड़की नहीं सेट होती है। जिम जाके वर्कआउट करो, थोड़ा सा अपने आप को पतला स्लिम बनाओ, मतलब उतना भी पतला मत बना लेना, फिट रखो अपने आप को, तब लड़की पढ़ने के चांसेस रहते हैं। और जहाँ तक रही ड्रेसिंग सेंस की बात, तो यार हमारे चैनल पर ड्रेसिंग की वीडियोज भी बनती हैं, और काफ़ी सारे आउटफिट्स के बारे में बताता हूँ, तो आप लोग वो सारी वीडियोज भी जाके देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने मैक्सिमम फिटिंग के कपड़े ज़्यादातर पहनने होंगे। अब कुछ लोग होते हैं ना, जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं, फॉर्मल जो कपड़े होते हैं, फॉर्मल टी शर्ट्स होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं, वो जल्दी से पहन लेते हैं, जिसके कारण यार उनकी जो लुक है ना वो पूरा एकदम खराब हो जाता है। सो आपको ऐसे नहीं करना है, अगर आपको पहनना है तो फिटिंग के कपड़े पहनो, शॉर्ट पैंट जो भी कुछ है फिटिंग का पहनना होगा आप लोगों को, तभी आप जो है ना सही दिखने वाले हो एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगने वाले। और बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो यार, बॉडी लैंग्वेज को भी आपको सही रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो हमारे पास सेकंड है वो आ जाता है आपका हेल्पिंग नेचर। अब देखो भाई, हेल्पिंग नेचर तो बहुत ज़्यादा सही है, ये आप लोगों को समाज में भी इज्जत दिलाएगा, रिलेटिव्स में भी इज्जत दिलाएगा, गर्लफ्रेंड के सामने भी इज्जत दिलाएगा, क्रश के सामने भी इज्जत दिलाएगा, मतलब हर जगह इज्जत इज्जत आपको दिलाने वाला होता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, जैसे कि मान लो कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, आपको उसकी मदद कर देनी है, या मतलब कोई ऐसे कुछ परेशानी में टेंशन में, तो उसकी टेंशन दूर कर देनी है। अब ये नहीं कि भाई वो डर रहा है कि मतलब कुछ गलत काम करने की वजह से वो टेंशन में, तो आप लोग जाके उसको मतलब सही करो, उसकी गलत काम को अंजाम दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही काम में टेंशन में, आप उसको थोड़ी सी सहायता कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। जैसे कि किसी कोई स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो नहीं हो रहा, तो यार आप उसे क्वेश्चन सॉल्व करने मदद करवा सकते हो। नहीं तो बाहर कोई बुजुर्ग आदमी है, वो चल नहीं पा रहा, ट्रैफिक को रोड को पास नहीं कर पा रहा, क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो आप उसको हेल्प करवा सकते हो। और हाँ, अगर बात रही क्रश को इंप्रेस करने की, तो आप लोगों ना क्रश के सामने ज्यादातर लोग की हेल्प करोगे ना, तभी वो आप लोगों की और अट्रैक्टिव होगी। क्रश अगर आपको देखती है तो वो ये कहती है, ओ भाई साहब, ये तो सबका हेल्प करता है, मतलब कितना अच्छा लड़का है। वो देखेगी ना तो वो भी हो सकता है आपकी हेल्प करने आ जाए उसके संग, कि मतलब आप जिसकी हेल्प कर रहे हो ना, तो वो भी आपकी हेल्प करने आ जाए कि चलो भाई मैं इसकी भी साथ हाथ बटा दूं, और फिर आप उससे बात करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यार वो उसकी और आप लोगों की जो बात है ना वो और ज्यादा होने लगेगी, तो ज्यादा सही रहने वाला हेल्पिंग नेचर रहेगा, तो ज्यादातर लोगों से आप बात कर सकते हो, लोगों के सामने अच्छा बन सकते हो, और अपने क्रश के सामने तो वैसे भी आप अच्छे बन जाओगे। और जो हमारे पास थर्ड है वो आ जाता है, ओवर फैशन करना छोड़ो यार, ओवर फैशन नहीं करना है यार। हमारा जो यूट्यूब चैनल है फैशन फैब में, हम उसमें यार ओवर फैशन करना नहीं सिखाते, केवल आप लोगों को स्टाइलिश बनना सिखाते हैं। पहले एक्चुअली यार मेरे से भी कई सारी गलतियां हुई, मैं क्या करता था यार, कान में इयर रिंग मतलब डाल लेता था, इधर भी डाल लेता था, इधर भी डाल लेता था, 3-4 अंगूठे डाल लेता था, हैंड में ब्रेसलेट्स इतने सारे डाल लेता था, वॉच पहनता था बड़ी बड़ी सी, मतलब यार मैं पूरा फैशन डिजास्टर मतलब छपरी बन चुका था। लेकिन जब से मुझे प्रॉपर फैशन सेंस हुआ है, तब से मैं ये सब काम नहीं करता, और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। आपको यार फैशन करना है ना तो छोटे से फिंगर रिंग डाल लो, एक्चुअली मेरी गुम हो चुकी है इसलिए मैंने नहीं डाली है। तो अगर आपके पास है तो आप फिंगर रिंग डाल सकते हो और एक वॉच डाल सकते हो, सिंपल से बहुत ज़्यादा सही लगता है। अब ओवर फैशन मत करना कि यार मतलब कपड़े भी अजीब से डाल लिए, फटी फटी बहुत ज़्यादा फटी पैंट है आपने वो पहन लिए, और जो टी शर्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर फैशन है, बड़े बड़े से यूं ऐसा बना हुआ है डिज़ाइन, तो आप लोग को
वैसे ही नहीं पहनना है, सिंपल सा पहनो, मस्त मजानी लाइफ जियो, बहुत ज्यादा सही लगने वाले हो आप। और जहां तक की बात रही कि यार ये आप लोगों को कौन सिखाएगा, तो ये मैं सिखा सकता हूँ अपने इस चैनल पे। सो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार कर लो, क्योंकि ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। और हम लोग आपको छपरी नहीं बनाते हैं, फुली फैशन इस चैनल पे बात होती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को ऐसी और भी भरपूर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है स्पेशली स्कूल वाले लड़कों के लिए। सो अगर आप स्कूल वाले लड़के हो तो भाई दिल थाम के और कान खोल के सुनना, ठीक है। अगर आपको अपने क्रश को स्कूल में इम्प्रेस करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यार आपको ना एक ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप में आपको उस ग्रुप का लीडर रहना होगा। जब भी आप कोई बात बोलो तो आपको जो ग्रुप वाले हैं वो सब सुने और आपकी मतलब बातों पे तालियां बजाएं, मतलब ऐसा कुछ इंप्रेशन दे जिससे कि लगे कि यार आप बहुत ज़्यादा महान हो। ऐसा वो ग्रुप बनाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब लड़की देखेगी ना आपकी जो क्रश है वो देखेगी उस ग्रुप को और देखेगी आपको बात करते हुए उस ग्रुप में, तो यार वो बहुत ज़्यादा ही मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली है। अब ये बेफालतू की बातें मत करना, थोड़ी सी नॉलेजेबल बातें कर सकते हो उस ग्रुप में, क्योंकि जो आपकी क्रश है ना वो भी कहेगी कि यार इसका जो ग्रुप है वो भी बहुत ज्यादा सही है, इस ग्रुप का जो लीडर है तो और भी बहुत ज्यादा सही है। सो इसीलिए वो आपसे और अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ज्यादातर अगर आप ग्रुप बना के रहोगे स्कूल में तो ज्यादा सही रहेगा। एक्चुअली यार बताऊं, मैंने भी ग्रुप बनाया था, लेकिन क्या होता था, मैं सोचा कि यार मैं ग्रुप बना लेता हूं और मैं लीडर रहूंगा उस ग्रुप का, तो ऐसा होता था। लेकिन जब मैं बात करना स्टार्ट करता था कोई दूसरे लोग जो है मेरी बातों को टोक देते थे, मेरे जो बाकी दोस्त थे वो मेरे को चुप करा खुद बोलने लगते थे। मैं कहता था भाई यार साले इज्जत की धज्जी उड़ाएगा क्या, मेरी क्रश देख रही है मुझे बोलने दे। तो ऐसे ही होता था, एक दिन मैं बोलता था, एक दिन वो बोलता था, एक दिन मतलब ऐसे आपस में तो कन्वर्सेशन होता ही था मैक्सिमम, लेकिन जब क्रश के सामने बात होती थी ज्यादा बोलने की, तो यार वो मैं हाजिर हो जाता था। अगर किसी और की क्रश आ रही तो वो बोलने में शामिल हो जाता था। तो मतलब हमारा ना ऐसा कन्वर्सेशन होता था जो कि बहुत ज्यादा सही रहता था। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो ना तो मैक्सिमम चांसेस है कि यार जो आपकी क्रश है वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो सोचेगी कि यार यार ये बंदा तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। सो अगर आप लोग ऐसे करोगे तो भाई गारंटी के संग कुछ चांसेस है कि वो सेट होना स्टार्ट हो जाए आपसे। और जो हमारे पास नेक्स्ट है, मान लो यार कई बार ऐसा होता है कि अगर आप हेल्प कर रहे हो या ग्रुप में ही हो, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे आंखें उठती हैं और आपकी क्रश को देखने के लिए और आपकी क्रश भी आप लोगों को देख रही होती है, तो मतलब आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, आंखें फिट जाती हैं। तो यार कुछ लोग क्या करते हैं ना, आंखें नीचे कर लेते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि इग्नोर टाइप का मार देते हैं अपनी क्रश को, जैसे कि मान लो कि सामने मेरी क्रश है और मैं यू देख रहा हूँ, फिर उसने मुझे देखा फिर मैंने यू कर लिया तुरंत, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख के धीरे से स्माइल दे सकते हो, मतलब मुस्कुरा सकते हो धीरे से, बहुत ज्यादा सही रहने वाला है यार। जब मुस्कुराओगे ना तो फिर जो आपकी क्रश है उसके दिल के अंदर ना कुछ कुछ होने लगेगा आपके लिए। सो इसीलिए अगर आप उसको देख के हल्का सा मुस्कुरा दोगे, स्माइल कर दोगे ना, तो यार वो मतलब फिर तो वो पूरी फ्लैट हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है वो आपसे बात करना स्टार्ट करे। वो बात करने के लिए आपके सामने आए तो ये नहीं है आपको कहीं और नहीं जाना कि यार मतलब जैसे कोई लोग नहीं होते कि मेरे सामने कोई लड़की आ रही है तो यार मैं इधर चले जाऊँ उधर चले जाऊँ बहाना बना के, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लड़की आपके सामने खुद आ रही है यार बात करने के लिए तो आप लोगों से बात करनी चाहिए। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा कई बार हुआ, जब मैं पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था यार लड़की सामने आते मैं मतलब तुतलाने लगता था, मतलब यार ना हेजिटेशन से हार्ट बीट तेज होने लगती थी, धक धक करने लगती थी, मतलब ऐसा लगता था किसी ने मेरे दिल पे हाथों रख के मारा, धक धक ऐसे हाथों मार रहा यार, मतलब इतनी तेज मेरी हार्ट बीट चलती थी, तो यार मैं ना साइड हो जाता था। लेकिन फिर मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी कि यार गर्लफ्रेंड को कैसे बताया जाए, उसमें ये सब बताया हुआ था, गूगल पे सर्च किया उसमें ये सब बताया हुआ था कि यार आपको ना पहली बात तो शांति दिमाग से रहना है और जो भी लड़की बात कर रही है उसको थोड़ा सा रुक के अपने माइंड को अच्छे से चला के बेस्ट रिप्लाई उसको देना होगा जिससे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो आप लोगों को भी सेम यही रिप्लाई देना होगा, मतलब यार पहले तो आप शांति रह लो, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, हेजिटेशन में नहीं आना, शांति से रहकर जो भी बोल देना, थोड़ा सा मुस्कुरा के आप रहो तो लड़की को लगेगा ना यार ये तो मतलब बात वगैरह करने में सही नहीं, तो अगर आप बात वगैरह नहीं करोगे इधर से उधर जाओगे तो लड़की कहेगी यार ये तो प्यार करने लायक ही नहीं है। तो इसीलिए अगर लड़की आ रही है आपसे बात करे तो आप लोग भी उससे बात करो, और उससे अगर आप बात कर रहे हो तो ये नहीं कि एकदम पकाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्वर्सेशन करो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, मतलब जो सही लगे उसको भी और आपको भी सही लगे, थोड़ा सा नॉलेजेबल लगे और लड़की आपसे बोर भी ना हो, ऐसी कन्वर्सेशन आप लोगों को करनी है। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, अगर आपने इतना कर दिया ना तो भाई लड़की आप पे फिदा है, बस फिदा ही है। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो अपने भाई के प्यार से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे एक्साइटिंग अमेजिंग वीडियोस तो हम आपके लिए बनाते ही रहते हैं। और अगर आपको कुछ सजेशन मुझे देना है या आप लोगों और भी कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे हम खूब सारी बातें करके आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई वहाँ पे देंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।